अच्छा तो गाइस अभी जो है ना वो आर्टरीज रह गई थी स्काल्प की, ठीक है। तो आर्टीरियल सप्लाई मैं आपको बताता हूँ। तो रफ सा एक मैं नॉर्मा वर्टिकैलिस ड्रा कर लेता हूँ यहाँ पे, जैसे पहले किया था नॉर्मा वर्टिकैलिस, ठीक है। यहाँ पे एक इसका नोज़ हो गया, यहाँ पे रफली मैं आपको कहता हूँ ऑरिकुलर होगी। अभी इसको ट्रिक्स आप याद रख लो कि आर्टरी जो होती हैं ये टोटल 5 आर्टरीज होती हैं, ठीक है। उन 5 के अंदर में से 3 जो हैं वो ऑरिकल के आगे होती हैं और 2 जो हैं वो ऑरिकल के पीछे होती हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी 3 कौन कौन सी ऑरिकल के आगे होती हैं, ठीक है, पहले हम उनको देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास सुप्रा ट्रॉक्लियर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है सुप्रा ऑर्बिटल, और उसके बाद हमारे पास आ जाती है सुपरफिशियल टेम्पोरल, सुपरफिशियल टेम्पोरल आ जाती है, ठीक है। उसके बाद हम जो ये मैंने बात की थी 2 ये वाली, ठीक है, इन 2 की अगर बात करते हैं तो 2 पीछे पाई जाती हैं। कौन कौन सी होती है? एक हमारे पास पाई जाती है पोस्टीरियर ऑरिक्यूलर और दूसरी जो है हमारे पाई जाती है ऑक्सीपिटल। अच्छा अभी इनमें ये आपने याद रखना है कि ये जो हमारे पास है ना ऑक्सीपिटल है, ठीक है, उसके अलावा पोस्टीरियर ऑरिक्यूलर है और साथ में हमारे पास जो सुपरफिशियल टेम्पोरल है, ये तीनों जो हैंगे दे आर द डायरेक्ट ब्रांचेज ऑफ द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। एक्सटर्नल कैरोटिड की डायरेक्ट ब्रांचेज हैं, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे इसमें से थोड़ा सा ड्रा करके कैसे थे। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे सुप्रा ट्रॉक्लियर, ये छोटी सी सुप्रा ट्रॉक्लियर, उसके बाद यहाँ पे पीछे हमारे पास आती है सुप्रा ऑर्बिटल, यहाँ से आती है सुपरफिशियल टेम्पोरल, उसके बाद यहाँ से आती है ऑफकोर्स जैसे कि नाम से पोस्टीरियर ऑरिकुलर, एंड यहाँ पे आती है ऑक्सीपिटल। अभी इसको दूसरी साइड पर ड्रा कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा इसको दूसरी साइड पे मैंने क्यों ड्रा किया, आपको एक चीज़ बतानी थी कि आपस में एनास्टोमोज़ करती हैं, अलग अलग नहीं रहती। एनास्टोमोज़ किस तरह करती हैं? एक तो फॉर एग्जाम्पल ये आपस में ये इस तरह एनास्टोमोज़ कर रही हैं, ठीक है, एक एक तरह की आपस में एनास्टोमोज़ कर रही हैं। दूसरे ऐसे भी होगा कि डिफरेंट तरह की भी आपस में एनास्टोमोज़ करेंगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि ये जो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑक्सीपिटल है और ये जो पोस्टीरियर ऑर्बिटल है अपोजिट साइड की आपस में कर रही होगी। इसी तरह हमारे पास ये जो हमारे पास सुप्रा ऑर्बिटल है, सुप्रा ऑर्बिटल है और साथ में हमारे पास यहाँ पे जो सुपरफिशियल टेम्पोरल है ये अपोजिट साइड की कर रही है, ये एक दूसरे के साथ मतलब ये क्रॉस एनास्टोमोज भी करती हैं और आपस में एक दूसरे के साथ भी एनास्टोमोज करती हैं, ठीक है। दैट इज़ द आर्टीरियल सप्लाई, और जो इसकी वीनस सप्लाई होती है वो वैसे ही होती है जैसे आर्टरीज है, सेम अगर से आप इसके नाम रखेंगे तो वो इसकी वीनस सप्लाई बन जाएगी।